नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती रियाज गुरु चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हारमोनियम बजाना ज़रूरी है सिंगर्स के लिए या नहीं। आपने देखा होगा कुछ आर्टिस्ट हारमोनियम बजा कर गाते हैं, मतलब गज़ल भजन गीत, और कुछ लोग बिना हारमोनियम बजा कर भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो सीखना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बजाएं सीखें या नहीं सीखें। अगर नहीं सीखेंगे तो हम गाना या संगीत सीख नहीं पाएंगे क्या? तो आज ये पूरी बात को मैं अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। वीडियो को आप अच्छी तरीके से पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में कोई भी संदेह ना रहे। पहली बात तो ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता, अगर आपने हारमोनियम बजाना नहीं सीखा, आप संगीत नहीं सीख सकते हैं, ये बात गलत है। मतलब बिना हारमोनियम बजाकर भी आप संगीत सीख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर क्यों बजाएं? पर इसका कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है कि शुरुआती तौर पे हारमोनियम बजाना, हारमोनियम जानना या तो कीबोर्ड जानना ज़रूरी है। पर ये क्यों? देखिए, मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है? सारेगामा सिखाया जाता है। तो सारेगामा आप सीख गए, आप गुरु के पास गए और गुरु ने आपको बताया कि ये सारेगामा पधनिसा है, आप उनके सामने अच्छे से गाए और उसके बाद आप वही चीज़ को माइंड में रखते हुए घर पे आए और घर पे आपने रियाज करना शुरू किया। ये बात सही है कि आप तानपुरा के साथ सीखते हैं, जैसे कि आप गुरु के पास गए हैं तो गुरु ने तानपुरा के साथ सिखाए हैं और आपके घर पे आजकल तानपुरा ड्रॉइड है, मैनुअल तानपुरा भी है, तानपुरा प्रो है, आई तानपुरा है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट अभी मिल जाता है, तो उसके साथ आपने प्रैक्टिस किया। लेकिन तानपुरा में क्या बजता है आपको पता है? तानपुरा में केवल सा पा और सा बजता है। मतलब सारे गामा पा धनिसा 7 स्वर या 12 स्वर नहीं बजता है। तो सापा सा के अलावा जो सुर है, जैसे रे गा मा धा नी, ये स्वर आपको कौन बताएगा? आप अगर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, तो हो सकता है आपको ये याद रह जाए जैसा कि आपके गुरु ने समझाया, लेकिन आप वो समझ के फिर घर आके आप रे को ढूंढ रहे हैं, ग को ढूंढ रहे हैं, माँ को ढूंढ रहे हैं, कौन आपको हेल्प करेगा? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स, आपके जो मतलब और भी भाई बहन हैं, और भी बड़े हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में कोई भी संगीत के जानकार नहीं है, तो फिर ये कौन बताएगा? तो ये जो काम है, ये काम आपको बताएगा हारमोनियम, नहीं तो कीबोर्ड। अब कीबोर्ड संगीत के शिक्षा में कीबोर्ड की इतना यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड का जो साउंड है वो वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए है, पर फिलहाल तो क्लासिकल म्यूज़िक में तो नहीं बजता। लेकिन सीखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम का जो सुर है, हारमोनियम का जो साउंड है, उसका थोड़ा बहुत रिजेंबल कान कीबोर्ड पे करता है, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्यों हारमोनियम का यूज़ करना चाहिए। आप अपने आप को हेल्प करने के लिए आपको हारमोनियम का या कैशियो का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो पूरा 12 के 12 स्वर है, आप सीख तो जाएंगे, लेकिन जो काम आप 6 महीना में या 1 साल में कर सकते हैं, वो काम अगर 1 महीना में आप कर सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है? तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको हारमोनियम या कैशियो का यूज़ करना चाहिए रियाज के तौर पे। तो पहले आप क्या करेंगे, आपके गुरु से आपका स्केल को समझिए, आपका कौन सा स्केल है, 4 काली 5 काली, 1 सफ़ेद, सी शार्प, डी शार्प, जो भी, उसका ज्ञान आपको आपके गुरु से लेना है। जो भी स्केल आपका डिसाइड हुआ है, वो स्केल का सारेगामा पधनिसा जो शुद्ध स्वर है, वो पहले आप सीख लीजिए। उसको भी किस तरीके से प्रैक्टिस करना है मैं बताऊंगी। उसके बाद आप शुद्ध स्वर के बाद
चार जो कोमल स्वर है, रे ग धनि कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर म, ये सभी स्वर को अच्छी तरीके से आप हारमोनियम में नहीं तो कैशियो में सीख लीजिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है एक दिन में उन्होंने बिल्कुल हारमोनियम में सारेगामा बजा सकते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सुर में गाना ज़्यादा कठिन है रैदर देन बजाना। बजाना बहुत ही ईजी होता है, बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं। इसके बाद आप घर पे जब रियाज करेंगे, पहले आप अवश्य तानपुरा में कीजिए। तानपुरा आपका चालू ही रहेगा, तानपुरा को बंद मत कीजिए, तानपुरा को चालू रखिए। उसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि पहले शुद्ध स्वर गाने के लिए आपका कान थोड़ा तैयार होना चाहिए। आप जब गुरु के सामने बैठ के गाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ जाता है कि ये रे कैसा है, गा कैसा है, क्या उसका साउंड होता है। बार बार सुनिए, जो भी उन्होंने गाया है, जो भी आपको शिक्षा दिया है, उनका सुनिए कि वो रे किस तरीके से गा रहे हैं। उसके बाद आप उनका नकल कीजिए। ये जो संगीत है वो नकली है, उसके बाद नकल कीजिए। अगर आपको वो नकल नहीं आ रहा है तो आपको यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैं काली पांच में सारेगामा सारेगामा बदनी सा मैंने खाली पहले बजाया, उसके बाद मैंने बजा नहीं रही हूँ, मैं सापा सा को बजा रही हूँ। या तो जैसे तानपुरा में बजता है सारेगामा, रे मेरा बिगड़ गया। हाँ, सारे सारे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि रे गलत है। रे सारे, मैं अभी बजा नहीं रही हूँ। हाँ, सारे, अभी रे एक बार बजा के देख लूँगी। रे रे सारे गा सारे गा, ये गा है, मैं कुछ और ही गा रही थी। तो सारे गा के बाद आप देख लीजिए कि ये सही गा रही हूँ या नहीं। इस तरीके से आपको सुर को ठीक करना है। इसके साथ साथ और भी एक बात बताना चाहती हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जैसे कि मैं बाय बर्थ बंगाली हूँ, बंगाल में, महाराष्ट्र में, साउथ में संगीत का बहुत महत्व है। घर घर में संगीत गाते बजाते हैं, बहुत एक अच्छा दर्जा जैसे पढ़ाई को दिया जाता है उस तरीके से संगीत को दिया जाता है। वेस्ट बंगाल के आजू बाजू के शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे शाम के वक्त और सुबह के टाइम हर घर से हारमोनियम का आवाज़ आता है और रियाज का आवाज़ आता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर, मैं कलकत्ता की बात कर रही हूँ, तो ज़्यादातर हारमोनियम के साथ सिखाया जाता है और ये छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से हारमोनियम आता है बजाना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो पूरा मतलब 6-7 साल 8 साल सीख रहे हैं हारमोनियम के साथ साथ, लेकिन जब भी उनको बोला जाता है कि आप सिर्फ तानपुरा में गाइए तो उनका हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उनकी कोई दोष नहीं है क्योंकि उनको वो वैसे ही सीखने में विश्वास करते हैं, उनको वो कंफर्ट लगता है। देखिए, एक बहुत सहज बात यह है कि कोई भी सपोर्ट के बिना अगर आप गाते हैं दैट मीन्स आप बहुत सुर में अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग हारमोनियम बजा के गाते हैं वो बेसुरा गाते हैं ऐसे, लेकिन वैसे भी बंगाल से, महाराष्ट्र से, मतलब साउथ से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं क्योंकि उनके जीन में है, उनके खून में है संगीत, तो वो बाय बर्थ इतने ही टैलेंटेड है। पर होता क्या है कि उनको अगर शुरू से ये बोला नहीं जाता कि आप हारमोनियम तो बजा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब आप हारमोनियम को छोड़ दो और सिर्फ तानपुरा में गाओ। आपने देखा होगा जो संगीत के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर फर्स्ट ईयर में हारमोनियम अलाउड है, उसके बाद हारमोनियम अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब जो हमारे गुरुजन चाहते हैं कि हम हारमोनियम के सपोर्ट के बिना तानपुरा में अच्छे से गाएं, इसीलिए उन लोग कहते हैं कि आपको जितना ज़रूरत है उतना ही हारमोनियम बजाइए, उसके अलावा आप तानपुरा में गाइए। तो आप इस तरीके से आप हारमोनियम का यूज़ कर सकते हैं, ना कि पूरा पूरा गाना बजा बजा के गा रहे हैं। इसमें और एक बात है, जो लोग गज़ल भजन गीत सुगम संगीत गाते हैं उनके लिए हारमोनियम बजा के गाना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हारमोनियम बजा के गाएंगे तो वो सुर अच्छे से आएगा और अच्छे से हम उसको गीत को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे।
अदरवाइज जो क्लासिकल है या फिल्मी में तो आपको ट्रैक मिल जाता है, म्यूजिशियंस होते हैं, क्योंकि हारमोनी हर गाना तो हरनम के साथ अच्छा लगेगा नहीं। गज़ल भजन तो भी चल जाता है, लेकिन फिल्मी गाने लोग गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रैक या तो म्यूजिशियंस के साथ गाना पसंद करते हैं। और एक काम के लिए हमें हारमोनियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो है स्केल डिसाइड करना। देखिए, अगर आप लाइट म्यूज़िक गाते हैं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जो क्लासिकल का जो स्केल होता है वो तो फिक्स ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उपशास्त्रीय गाते हैं, जैसे एक ठुमरी गाया या कोई कजरी गाए, तो तब आपका स्केल अलग थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ऊँचा हो सकता है, अदरवाइज स्केल क्लासिकल म्यूज़िक के लिए एक ही रहता है। लेकिन अगर आप लाइट म्यूज़िक गा रहे हैं, जैसे कि फिल्मी गा रहे हैं, कोई और गाना गा रहे हैं, तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। मतलब आप अगर कोई फिल्मी गाना गा रहे हैं तो आपको कीबोर्डिस्ट होते हैं या तो कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपको बताते हैं कि ये स्केल में गाओ। अगर आपको हारमोनियम आता है तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरा स्केल ये है, आप इस स्केल में बजाइए। नहीं तो क्या होता है कि आपको डिपेंड करना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है कि मेरा स्केल क्या है, मैं कौन सा स्केल में गाऊँ, ये स्केल में गाऊँ क्या, उस स्केल में गाऊँ क्या। तो आप देख सकते हैं कि आप अपना स्केल खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको हारमोनियम या कैशियो आता है। तो मैं एक बात से मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ कि हारमोनियम के बिना संगीत सीखा नहीं जा सकता, ये गलत बात है। लेकिन अगर आपको हारमोनियम आता है और सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल सीखिए, ये एक अलग सा स्केल है और अलग सा एक शिक्षा है, आप बिल्कुल इसको सीख सकते हैं। मेरी राय माने तो बिल्कुल आप हारमोनियम सीखिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मैं हर कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।